सुरैया बाजी की फितरत के बारे में क्या बताऊं? उनकी तो आदत ही है दूसरों को तकलीफ देना। वो मेरी बहन है, लेकिन अगर इंसाफ की बात करूं ना, तो उन्होंने बहुत गलत किया है। उन्होंने मुझे बरगलाया है, लेकिन शुक्र है अलवीना भाभी की मोहब्बत और उनके अच्छे रवैये की वजह से उन्होंने मुझे सोचने पर मजबूर किया, और फिर मैंने अपने आप को बदला भी। नहीं फरिया, मैं इतनी बेवकूफ नहीं कि किसी भी सुनी सुनाई बात पर ईमान ले आऊं। कुछ तो हुआ होगा, अलवीना ने उन्हें कुछ तो कहा होगा, वरना वो इतनी ज़ाती बातें हमारी कैसे जानती? आपको तो पता है ना, सुरैया बाजी को तो तरीके आते सामने वाले से अपनी मर्जी की बात उगलवाने के। अलवीना भाभी ने वो बात बताने किस नीयत से कही थी, और सुरैया बाजी ने आपसे किस तरीके से वो बात की? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाभी। मेरा मशवरा तो यही है, आप एक बार अलवीना भाभी से बात करें, उनसे जाके मिलें, देखिएगा सारी बातें सामने आ जाएंगी, सारी बदगुमानियां सारी गलतफहमियां खत्म हो जाएंगी। एक बार जाके मिल लें। अम्मा, अम्मा मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूं अम्मा। और मैं तो सिर्फ शर्मिंदा ही नहीं बल्कि रंजीदा और अफसरदा भी हूं। तू ना माफी मांग, तू तो साढ़े घर का जवाई है, दमाद है साड़ा, असी तो साड़ी जिंदगी तेरे अगे हाथ जोड़ के खलोते रहे, माफिया मांगते रहे, तेरी नाराजगी दूर करते रहे। तू नाराज हो जाता सी, असी एक पैर तो साड़े खलो जाते सर, तू ना कर। सकी औलाद होंडा ने की सबूत दिता है, एदू एनू मैं की कवा। अम्मी जी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये मुझे कहती थी ऐसा करने को। सारे इल्जाम तुम मुझ पे मत लगाओ, तुम्हें भी मजा आता था नखरे दिखाने में, मिन्नत कराने में। तेनू कुछ नहीं कह रही मैं होशमंद, तेनू कुछ नहीं कह रही मैं, कहन जोगी नहीं रही मैं। जद अपना सिक्का खोटा होए, जद अपना सिक्का खोटा है तो किसे कहर देंगे, की फरियाद करनी, की शिकायत करनी। जे सकी औलाद होंदा दस दिता जे कह सतेले तो भी पैनी जे ना, एने मेरे दिल नू बड़ी ठेस पहुंचाई, बहुत दुख पहुंचाया। माफी मांग तो रही हूं। तू चंगा नहीं किया, चंगा नहीं किया, मैं तेनू कभी माफ नहीं कर। दफा हो जाए, दफा हो जाए इतो। अम्मा ऐसे नहीं कहे अम्मा, मैं तो आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ अम्मा। दफा हो जाए इतो, शक्ल दूर कर ले अपनी। मेरे याद रखी सुरई, तेरे अगे भी औलाद ते ओ भी तियां दी, तेरी तिया ने पलट के तेरे नाल ही सलूक किया, तू मेरे नाल किया, तेन लग पता जाएगा मां के दिल ते की गुजरती है। तू बहुत पैरी कीती है मेरे नाल, बहुत पैरी कीती है, मैं तेन कभी माफ नहीं करांगी, कभी नहीं। दवा दवा आयो मेरे रब्बा, मेरी अपनी धी ने मेरा घर चाड़न कोई कसर नहीं छी, तू मैं माफ कर दे। Oh!
भाभी से बात करें, उनसे जाके मिले, देखिएगा सारी बातें सामने आ जाएंगी, सारी बदगुमानियां सारी गलतफहमियां खत्म हो जाएंगी। एक बार जाके मिल लें। सोती रहती हो तो बाप, ये तुम चांदी तूफान की तरह आती हो, तुम कैसे आया करूं? वो क्या कहती हो तुम? खराबां खराबां, खरामा खरामा। हाँ हाँ वही खरामा खरामा। मुझे डर लगता है, लेकिन तुमसे अलग होने के ख्याल से कभी कभी मेरे अम्मा अब्बा इतना इतराज करते हमारी दोस्ती पे, हालांकि वो तुमसे कितना प्यार करते। तो क्या मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? मेरा दिल पता क्या कहता है रुबा, एतराज चाहे तुम्हारे शोहर को या तुम्हारे किसी भी ससुराल वाले को, तुम कभी मुझसे दूर नहीं जा सकती। और तुम? मैं चल सुनिए चल, अब तुझे रोकने कोई नहीं आएगा। मैं यहाँ रहना भी नहीं चाहती हुशमन, जो कुछ भी मैंने किया है ना मेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए, मगर मैं ऐसे नहीं जाऊंगी जब तक मैं अम्मा से माफी नहीं ना मांग लेती। अरे पलिए लोके, अम्मी जी ना भी गुस्से में, उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा, हम फिर आ जाएंगे उनको मनाने। और मुझे एक बात बता, माँ बेटी से कितने दिन नाराज रह सकती है? चल शाबाश चले, और हाँ वो बच्चियों का सामान भी पैक कर ले। चल शाबाश चलो चल। अलवीना तुमसे कुछ बात करना थी। हाँ तो मुझे बुला लिया होता तुम्हें, ऐसी हालत में इतनी सीढ़ियां चढ़ के नहीं आना चाहिए था। अब ऐसी भी खराब तबीयत नहीं मेरी, फिर भी रुबाब इस हालत में तुम्हें एहतियात तो करनी चाहिए। ओ, हाँ मैं तो भूल ही गई, मुबारक हो तुम, बहुत बहुत मुबारक हो। तुम मां बनने वाली हो, तुम्हें भी।
घर चुगलने वाली हूँ।